इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिस तरह से नतीजे आए हुए हैं वैसे तो चौंकाने वाले हैं, लिहाजा इस पर कई सारे इल्मी दानिश्वर और सहाफ़ियों की मुख्तलिफ राय देखी जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बेलगाम लाइव के एडिटर इन चीफ प्रकाश बिरगोजी साहब और बेलगाम सिद्दी के महबूब मकानदार साहब। महबूब मकानदार साहब, थोड़ा आप बताइए कि जिस तरह से ये नतीजे आए हुए हैं, पहली मरतबा उर्दू उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है, ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, क्योंकि 6-8 के दरमियान हुआ करते थे, पहली मरतबा 15 के करीब पहुँचे हैं। तो ये क्या वजह है और भाजपा जीत रही है, भाजपा इख्तदार में आती नज़र आ रही है, तो इस पर बताइए। देखो, इससे पहले जो है बेलगाम कॉरपोरेशन में कन्नड़ मराठी लैंग्वेज का एक क्वरल चलता था, एक झगड़ा चलता था, वो 50 सालों से वो झगड़ा चलते आया था। ये कॉरपोरेशन काय के लिए है कि कॉरपोरेशन बेलगाम के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए है और डेवलप बेलगाम को डेवलप करने के लिए है। लेकिन ऐसी जगह पे वहाँ पे कन्नड़ मराठी बल्कि जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है, जो MES है, वो भाषा का राजकारण करते हुए आई थी। लेकिन इस इलेक्शन में बेलगाम के लोगों ने बताया है कि हमको भाषा राजकारण कॉरपोरेशन में पसंद नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा एक बहुत बड़ा मैसेज बेलगाम के लोगों ने दिया है। क्योंकि जो भी है वो भाषा हो, सब भाषा के लोग यहाँ पे भाईचारे से रहते हैं, जो चाहे वो मराठी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो उर्दू हो, सभी लोग यहाँ मिलजुल के हैं। यहाँ पर भाषा के नाम पे झगड़ा नहीं चाहिए, भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, ऐसा बहुत बड़ा मैसेज बेलगाम के लोगों ने आज दिया है। अब इसके बाद बेलगाम कॉरपोरेशन में जो भी चर्चा होगी वो डेवलपमेंट की चर्चा होगी, जो भी चर्चा होगी वो बेलगाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चर्चा होगी। अब इसके बाद एक नया इतिहास बेलगाम कॉरपोरेशन में हुआ है कि क्योंकि बेलगाम के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैसेज और एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर दिया है। क्योंकि भाषा राजकारण को हम पसंद नहीं करते, भाषा राजकारण को हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसा मैसेज देके बेलगाम के लोगों ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक बहुत बड़ा इतिहास निर्माण किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा को एक जातिवादी पक्ष के तौर पर देखा जाता है, उसका इख्तदार में आना क्या पैगाम देता है? अभी देखिए, बहुत सारे लोग जो MES के जो कैंडिडेट थे, एक एक वार्ड में तीन तीन या चार चार लोग रुकने की वजह से इसका सीधा सीधा फायदा BJP को मिला है। और भी बहुत सारे उर्दू भाषी के जो कैंडिडेट थे, और भी एक दो तीन कैंडिडेट आ सकते थे। अभी देखिए, फोर्ट रोड में MES वालों ने एक M+M बोल के एक नया फार्मूला प्रयोग करके देखा था, एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन वो फार्मूला भी यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सदियों से कन्नड़ और उर्दू भाषी दोनों भाई के जैसे मिलते हुए आए हैं, एक को एक सपोर्ट करते हुए आए हैं, और बेलगाम की जनता ने और उर्दू भाषिक भी और कन्नड़ भाषिक भी ये दोनों मिल के एक भाई का रोल निभाए हैं। इसीलिए जो भी है वो कन्नड़ और उर्दू भाषी के जो का वो फार्मूला है भाईचारे का, वही फार्मूला कायम रहेगा। यहाँ पे M+M जो का जो फार्मूला है वो नहीं चलने वाला, ऐसा संदेश भी वहाँ के वोटर्स ने दिया है और बेलगाम की जनता ने दिया। सर प्रकाश बिरगोजी साहब ये मेरे साथ भी मौजूद हैं। सर, इनका कहना है कि मराठी जो MES है, महाराष्ट्र एकीकरण समिति, उन्होंने भाषा का राजकारण किया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस बार तो उनको बहुत कम सीटें हासिल हुई। सर, मेरे ख्याल से अब तक जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान में MES के कैंडिडेट ऑफिशियल दो कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट मराठी भाषिक दो, ऐसा चार उम्मीदवार चुन के आए हैं सिर्फ 58 में से। सभी एग्जिट पोल, सभी नतीजे, सभी जो पोल्स थे उनमें MES को कम से कम 20 आंका जा रहा था, 20-25-30 ऐसा आंका जा रहा था। लेकिन पहली मरतबा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी की कोई सत्ता बेलगाम महानगर निगम पे आई है, मतलब भाजपा ने क्लियरशिप और मेजॉरिटी हासिल की है। तो जैसे कि महबूब मकानदार ने कहा मुझे आपको कि भाषा का राजकरण, इतने दिन तो भाषा का राजकरण ही तो चल रहा था, और 2-3 महीने पहले तो लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए थे, तो बाई इलेक्शन में MES को सवाला कोट कहाँ से आए भाई, भाषा का मुद्दा नहीं रहता तो भाषा का मुद्दा है अभी भी।
ये क्लियर कट एमईएस की हार इसलिए है, मिसमैनेजमेंट की वजह से हार हुई है। एक एक प्रभाग में, एक एक वार्ड में, एक एक वार्ड में चार चार पाँच पाँच छः छः उम्मीदवार बैठे हैं मराठी भाषिक, इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है कहीं ना कहीं। इसका एमईएस को बहुत खासा नुकसान हुआ है। और जो एमईएस की कैंपेनिंग थी, तो कैंपेनिंग भी मेरे ख्याल से सही तरह से नहीं चली। जो लोकसभा बाई इलेक्शन में कैंपेनिंग, तो वो कैंपेनिंग सही नहीं हुई थी और चार चार पाँच पाँच उम्मीदवार वार्ड में थे। और रही बात इसके पहले एमईएस कभी पैसे इलेक्शन में नहीं करती थी, तो पैसे का भी जो बहुत इस इलेक्शन में हुआ है, तो पैसा भी कहीं ना कहीं अहमियत रखता है। तो एमईएस का मिसमैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, इसीलिए एमईएस की ये हाल हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर एमईएस की कुछ इसको सीख मिलती है, अगर एमईएस के यूथ विंग हो या एमईएस के सीनियर लीडर एक होकर अगर कुछ मिल बैठ के साझा करके आने वाले दिनों में रणनीति तय करते हैं, तो विधानसभा दूर नहीं, तो तीन विधानसभा की सीटें। मैं भी आज पिछले मरतबा मैं जब आया था बाई इलेक्शन के पहले आपके इत्तेहाद न्यूज़ में, तो मैंने कहा था कि एमईएस का कैंडिडेट भारी पड़ सकता है, तो वो पड़ा बाई इलेक्शन में। हालांकि नगर निगम इलेक्शन में आपके पास नहीं आ पाया कुछ दूरियों की वजह से, लेकिन अभी भी मैं विधानसभा एक साल में है, अभी विधानसभा में मैं कह रहा हूँ कि आने वाली विधानसभा में अगर एमईएस सीनियर और जूनियर सभी मिलकर मैनेजमेंट अच्छा करती है, प्लानिंग के तहत जाती है और एक उम्मीदवार दी है, तो आने वाले दिनों में एमईएस के लिए अच्छे दिन है। ये नगर निगम की हार हुई, मराठी का मुद्दा खत्म हुआ, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मराठी का मुद्दा रहेगा, जब तक बेलगाम में मराठी लोग हैं तब तक मराठी का मुद्दा रहेगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मराठी लोग भाजपा से जाकर मिले हैं, या तो फिर दूसरा गति साहब, लोकसभा का बाई इलेक्शन होकर सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुए। 3 महीने में बेलगाम साउथ ने 45,000 वोट गिरे थे, बेलगाम रूरल में 46 गिरे थे, बेलगाम नॉर्थ में भी 26 गिरे थे जी। कितना 1,25,000 वोट गिरे थे। तो 3 महीने में ऐसा ट्रेंड बदलो तो कितना बदल सकता है ट्रेंड? 4 का तो नहीं बदल सकता, सिर्फ 4 उम्मीदवार। किसी भी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना बुरा हाल एमईएस का होगा। ये मुझे लगता है ये मिसमैनेजमेंट ऑफ एमईएस है और एक से ज़्यादा मराठी उम्मीदवार। मतलब हार आप कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल भी हार महाराष्ट्र किसान समिति की मैं कबूल करता हूँ। मैं एक मराठी पत्रकार हूँ, एक मराठी पत्रकार होने के नाते मेरा काम है मराठी के लिए काम करना। कितने साल से हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने ये लड़ाई लड़के रखी है, 1956 से लेकर आज तक भाषा का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। तो ये मराठी लोगों ने मराठी को सपोर्ट करना है, लेकिन भाजपा हावी हो गई एमईएस के ऊपर और मैनेजमेंट करके सही तरह से उन्होंने चुन के लाया। वही एमईएस में कुछ तालतंत्र नहीं था, नेता लोगों में सीनियर जूनियर में तालतंत्र नहीं था, कैंपेनिंग सही तरह से नहीं हुई, कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। तो ये सब 3-4 रीज़न है एमईएस के हार के लिए। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, आपने देखा है स्मार्ट सिटी की वजह से कितना बुरा हाल हुआ है। देखिए, स्मार्ट सिटी का फंड 2,000 करोड़ जरूर आया है, लेकिन लोगों को तकलीफें भी बहुत हुई है। और एमईएस के विकास के खिलाफ में कभी एमईएस थी नहीं, एमईएस के ज़माने में विकास हुआ ही है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बेलगाम सुद्दी और बेलगाम लाइव के, बेलगाम शहर के मशहूर सहाफ़ी प्रकाश बिरगोजी और महबूब मकानदार साहब। जो भी हो, इनके इन्होंने अपनी सफाई तो पेश की हुई है, उन्होंने कन्नड़ मराठी का भी सब्जेक्ट निकाला, फिर इन्होंने एमईएस के हार पर भी कुछ मुख्तलिफ तबसरे किए। लेकिन इस चुनाव में एक बात जो खुलकर आई है वो है उर्दू उम्मीदवारों की, जिन्होंने 15 का आंकड़ा पार किया हुआ है। ये एक अपने आप में जीत, एक तारीख कह सकते हैं, तारीख के औराक में दर्ज करने वाली बात कह सकते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये 15 उम्मीदवार जो उर्दू जबान के हैं, जिन्होंने कांग्रेस से भी है और कुछ आज़ाद भी हैं, आने वाले दिनों में क्या वो अपने कामों को, अपने खदमात को किस तरह से अंजाम देते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।